हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, स्ट्रांग है फिंगर्स, बेस फैलेंजेस जो हैं फिंगर्स के काफ़ी थिक हैं, तो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहने वाला है। तो आपको थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा, काफ़ी सारी सीधी रेखाएँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइन्स जो बिल्कुल सीधी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, जो शो करती हैं काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली नेचर को। स्ट्रॉन्ग सैटर्न फिंगर आप देखें, अगर सैटर्न फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, जो शो करती है बहुत ही मेहनती नेचर को, अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर पाएंगे। और अगर हम बाकी फिंगर्स की लेंथ को भी देखें तो यहाँ पर जो अपोलो है इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, अपोलो थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलता है जिनकी अपोलो फिंगर स्ट्रांग होती है। और अगर यहाँ पर बृहस्पति फिंगर को देखा जाए तो वो भी शॉर्ट नहीं है, अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो नॉलेज गेन करने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहेगा और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मैं इनके अंदर देख पा रहा हूँ। और अगर मर्करी की हम बात करें तो मर्करी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, शाइनेस जैसा स्वभाव रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, अदरवाइज और कोई भी मेजर प्रॉब्लम फिंगर्स से मुझे नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आएगी, आप देख सकते हैं जो लाइन है कुछ इस तरह की लाइन, जिसमें जो इनकी सैटर्न फिंगर सबसे ज़्यादा हाई सेट दिखाई दे रही है, उसके बाद अपोलो फिंगर और उसके बाद बृहस्पति, और सबसे लास्ट में सबसे जो लो सेट थोड़ी सी नज़र आ रही है वो है मर्करी फिंगर। लेकिन मर्करी माउंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, थोड़ी शाइनेस इनके स्वभाव में रह सकती है, अदरवाइज मर्करी माउंट का यहाँ पर प्रोमिनेंट होना अच्छे रिजल्ट इनको दिलवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी माउंट, मुझे कोई भी दिक्कत इसमें नज़र नहीं आ रही, हल्की सीधी रेखाएं भी हैं जो इनको और शार्प माइंडेड बनाएंगी। यहाँ सबसे मेन चीज़ जो चेक करने वाली है वो है त्रिकोण का बनना, वो है सूर्य माउंट के ऊपर त्रिकोण का बनना। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग चिन्ह है इनके हाथ में, यहाँ पर त्रिकोण, यह जो त्रिकोण है व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाता है, और इस तरह का त्रिकोण हाथ में होना एक तरह से अश्योरिटी रहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इनकी यहाँ पर त्रिकोण बनना नेम एंड फेम के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्ट्रांग है इनके हाथ में, जो सूर्य माउंट है हल्का फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोण बनने की वजह से जो सारी कमियाँ थी सूर्य माउंट की वो दूर हो रही हैं, और इनको यहाँ पर एक अच्छा, यह एक लकी चिन्ह इनके यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। आगे आप देख सकते हैं सैटर्न, सैटर्न माउंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन सैटर्न लाइन जो है हल्की वीक हो रही है, जो स्ट्रगल शो कर रही है, स्ट्रगल के बाद ही यह कुछ अचीव कर पाएंगे, बिना स्ट्रगल यहाँ पर कुछ भी मिलता हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आगे आप देख सकते हैं इनका जो माउंट है बृहस्पति, तो बृहस्पति माउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट है, हल्की सिंपथी की लाइन जिसको हम गुरु वल्लया जैसी लाइन कहते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है, सिंपथेटिक नेचर रहेगी, रिलीजियस नेचर काफ़ी ज़्यादा ये रिलीजियस रहने वाले हैं, अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा लाइफ में, क्योंकि इस तरह का गुरु वल्लया व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ जोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेन लाइंस को, मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं विष्णु सिंबल हार्ट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, काफ़ी क्लियर चिन्ह है यहाँ पर, वी सिंबल जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह का विष्णु सिंबल बन रहा है, और हार्ट की लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है, बहुत ही आदर्शवादी नेचर रहेगी इनकी, और इनकी जो थॉट्स हैं, जो रिलीजन के प्रति इनके विचार हैं उनके ऊपर यह बहुत ही कठोर रहेंगे,
और इस तरह की सीधी लाइन होना व्यक्ति को थोड़ा सा जुनूनी भी बनाती हैं। इमोशंस थोड़े से कम रहने वाले हैं, जो भी इमोशंस रहेंगे वह यो हल्की सी फॉर्मेशन या गर्डल ऑफ वीनस की हो रही है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन टूटा फूटा गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, इसकी वजह से कुछ इमोशंस रह सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और विष्णु सिंबल बनना व्यक्ति को बहुत प्रोग्रेस मिलती है लाइफ में, और प्रोग्रेस भी बहुत मेहनत से मिलती है। यहाँ पर यह चीज़ बताना चाहूँगा कि इस यह सिंबल जो होता है श्योरिटी तो देता है प्रोग्रेस की, लेकिन बिना मेहनत के प्रोग्रेस नहीं रहती। खुद मेहनत से ही ऐसे व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस में पहुँच पाते हैं। और दूसरी बात, जिनके हाथ पे विष्णु सिंबल बनता है उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो बेनिफिट है वो बिल्कुल भी, जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो भी जा सकते हैं। तो हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही अपनी अर्निंग्स करें। और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी लाइन है, जो हार्ट लाइन है, इसमें यहाँ पर आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चेंड स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शो करता है कि ओल्ड एज में चलकर थोड़ी सी हार्ट रिलेटेड दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर हार्ट की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को दर्शाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी नहीं रहने वाली। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेट करती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइफ लाइन है और जो माइंड की लाइन का स्ट्रक्चर है शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और काफ़ी सारी राहु रेखाएं इन दोनों लाइंस को डिस्टर्ब भी कर रही हैं, जो शो करती हैं स्ट्रेस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस जो हल्की लाइंस हैं लेकिन फिर भी यह स्ट्रेस देती हुई नज़र आ रही हैं। 2 से 3 राहु रेखाएं जो इनकी लाइफ की लाइन को और इनकी माइंड की लाइन को काट रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो माइंड है बहुत शार्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30s के आसपास की एज से जो लाइन है वो स्ट्रांग होती हुई और आगे चलकर बाईफोर्क बनाती हुई, एक तरह से बड़ा एक बाईफोर्क बनता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो शो करता बहुत ही शार्प माइंड। और जो ऊपर की तरफ जब भी कोई ऑफशूट निकलता है वो बेनिफिशियल माना जाता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक बाईफोर्क बनना इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ही इसको हम कह सकते हैं तरक्की का कारका है, एक तरह से इसको हम राजयोग भी कहते हैं, जिनके हाथ में ऐसी स्ट्रांग लाइन हो। लेकिन यहाँ पर जो ये राजयोग है इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद में कुछ अच्छे फल मिलने शुरू होते हैं। तो ऐसा ही इनकी लाइफ में भी मुझे मिडल एज तक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, स्ट्रगल्स दिखाई दे रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी लाइंस काट रही हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ लाइन जो है, आपको थोड़ा सा साइज को डिक्रीज करके दिखाना चाहूँगा, लाइफ लाइन भी यहाँ मिडल एज से बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पहले की अगर आप लाइफ देखें, पहले की लाइफ और यहाँ से आगे की लाइफ में बहुत चेंजेस हैं, जो इतना एरिया है आप देख सकते हैं लाइफ लाइन का और इनकी माइंड की लाइन का डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन आगे बहुत ही स्ट्रांग लाइन है। तो मिडल एज यानी 30 प्लस से ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे, और 35 की एज के बाद काफ़ी स्टेबल लाइफ इनकी आगे चलकर रहने वाली है। मार्स लाइन आप देख सकते हैं, मंगल की रेखाएं साथ में इस लाइन को सपोर्ट दे रही हैं, जैसे यह लाइन वीक है लेकिन दो और लाइन साथ में चलकर सपोर्ट दे रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से लड़ने का हौसला दे रही हैं, और जो आगे चलकर और भी अच्छा है। यहाँ से मंगल रेखाओं से प्रॉपर्टी का भी पता चलता है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी यह बना पाएंगे और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिलने के यहाँ पर चांसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो लाइफ को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इनकी लाइफ काफ़ी लंबी रहने वाली है, शुरू में थोड़ी दिक्कतों के बाद स्ट्रांग लाइफ है, और लगभग इस साइज़ की लाइफ की लाइन 80 प्लस की एज को यहाँ पर शो करती है, काफ़ी स्ट्रांग और लंबी लाइफ मैं यहाँ पर इनकी देख पा रहा हूँ। और इस लाइन से एक लाइन का निकलकर मून की तरफ चलना शो करता है यात्रा को, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी
ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी, इवन फॉरेन ट्रैवलिंग भी है, फॉरेन में स्टे भी यह कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा ऑफशूट मुझे यहाँ पर मून एरिया की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे चिन्ह हमने देखे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक यह यव का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यव का चिन्ह हाथ में बनना व्यक्ति को धन का लाभ तो देता ही है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी खींचता है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड यह रहने वाली हैं और काफ़ी सारी अच्छी लाइनें हमने देखी। काफ़ी स्ट्रगल भी है इनकी लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही इनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे मेरी तरफ से इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे के सारे सवालों के जो जवाब हैं वो एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जवाब मैं टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।